दुनिया को दसना चाहते हैं कि पंजाब की मंग की है, कि पंजाब की सियासी मंग इको एक है, वह है आजादी। असी जो इंडियन स्टेट है जां इंडियन यूनियन है उन्हें बिल्कुल नहीं मानते, तो ओदी फिरका प्रस्ती ना साडा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ पंजाब की एक मंग है, वह है आजादी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज गुरद्वारा नानक साहब चैरी एवन्यू ते खालिस्तान वोटां दा कैंप लगा सीगा, इन्हां सारे वीरां ने वोटां रजिस्टर कराईआं, तुसीं भी कराओ, तुहाडा सारे मुश्किलां दा जमीनां दा हल जिहड़ा खालिस्तान आ आजादी आ मुकम्मल, उस सिस्टम तों बाहर निकलना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वोटां जरूर रजिस्टर कराओ, जैस टू खालिस्तान, जैस नंबर टू खालिस्तान .org ते जाके। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। मेरे पूरे देशवासियों ने करण मोड़ी की तरफ से भारत माता की जय, ये वीडियो पहले था ना देख ही ली। अब मैं कुछ लोगों से सवाल करना चाहूँ। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो संयुक्त है इंडिया में आंदोलन में खड़े हो, चाहे किसान आंदोलन में, खालिस्तान आंदोलन में कड़ी भी खड़े हो, या जो मारे वाले हैं हरियाणा वाले, वहाँ क्या कड़ा खालिस्तान है, और कुछ यहाँ हरियाणा के जो सिख समुदाय के लोग हैं यहाँ भी कहाँ कड़ा खालिस्तान है। अगर हम लोग खालिस्तान की बात कर दो तो मरपा फिर एक दब्बा लगा बीजेपी का या आरएसएस का दलाल, यही लाओ नहीं थम। बट यहाँ जो कुत्ते की औलाद जो सरेआम विदेशा में बैठ का एक चीज कहने लग रहे हैं कि मारा जो भी समस्या है नहीं, चाहे वह किसाना की हो चाहे कुछ भी हो, उसका समाधान एक है खालिस्तान। या विदेशा में बैठे अगर हम बीजेपी के आरएसएस के दलाल हैं तो यहाँ किसके दलाल हैं? भिंडराले दलाल के दलाल हैं, किसके दलाल हैं? अगर जे सरकार ते तीन कानून जो से काले कानून बता रहे हो थम उन्ना लेकर लड़ाई नहीं छेड़ रही है या एक साल होए, अगर वह लड़ाई खालिस्तान की है तो फिर सरेआम सामने आओ ना। आंदोलन में खालिस्तान के झंडे लेकर जाना, उसके नारे करनाल तक में लाना, भिंडराले की टी शर्ट पैर का जाना, यु कौन सा आंदोलन है? अरे यहाँ कौन से मारे वाले हैं जो उनसे इसका चेहरा देख का आंदोलन का फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? ईमान तो लगा था ना भी बेच दिया। पंजाब में इंदिरा गांधी की टी शर्ट कोई पहन लग जा वो तो आतंकवादी, उसके खिलाफ तो पर्चा दर्ज। अरे जे एक टेररिस्ट घोषित कर रख्या वो संत, उसके ऊपर तो राकेश टिकैत भी बयान देवा है कि भाई एक बच्चे की वो टी शर्ट है उस पर एक आदमी की फोटो है, लोग उसे संत मानते हैं, सरकार उस ना आतंकवादी बतावा। सरकार क्यों बतावा? मैं भी बतावा या हिंदू भी बतावा, बहुत सारे मारे सिख भी बतावा जिन्होंने अपने परिवार का फैमिली मेंबर खो रखा है या उसकी सच्चाई पता है, ठीक है नहीं बात। लेकिन ये बैर बैठ का जो इन देश के ऊपर कलंक लै दिया, पूरी सिख कौम के ऊपर कलंक लै दिया इन खालिस्तानिया ना, और उसके बाद मम इस चीज पर बोलना मम आरएसएस के या फिर बीजेपी के दलाल, तो थम के हो? या तो हिंदुआ ना पता लगा भाईचारा दोनों साइड ते हुआ, ठीक है नहीं, या तो हिंदुआ ना पता लगा भैया थम खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लाओ नहीं, हिंदू ना भी नहीं लगा हाँ भाई भाईचारा है हमारा, एक एक हाथे ताड़ी को नहीं बजती प्रधान हरियाणा, एक हाथे तो गैंड पिटा है, फिर सच्चाई है या फिर कहेंगे गाली देवा? ऐसे ऐसे नाम हम गाली नहीं देवा और के देवा, सच्चाई है या? और विदेश में बैठ का लंदन में बैठ का रेफरेंडम 2020-2021 उसकी वोटा पान लग रहे, पासपोर्ट तक आ लिए हैं, पासपोर्ट आ लिए खालिस्तान के, बताओ इन्ना पाकिस्तान की छाती पर तारेंगे, कड़ा तारेंगे, आतंकवादी हमले करवाने हैं इंडिया में या फिर 84 दोबारा करानी है, फिर तो पता लग जाएगा, क्योंकि समाधान तो इसका यू ही है। और हाथ जोड़े हुए तो था ना खालिस्तान दिन देखो नहीं, हिंदुस्तानी है यहाँ, जितना टूटना था टूट लिया, बॉर्डर परे ना खड़े होया बंदा, मैंने पहला भी कही थी बात, बॉर्डर परे ना खड़े होया पाकिस्तानी आतंकवादी और भारत में बैठे होया खालिस्तानी कुत्ता, दोनों का मकसद एक है हिंदुस्तान की और हिंदुओं की तबाही। वह चीज मारे वाले के आज भी समझ में को नहीं आई, ठीक है नहीं, कई लोग इन बनाए फिर अपने जमाई थारी तो दुआई दुआई दुआई, समझ लियो इन चीजा ना आज भी टेम है, ये भाईचारे का अंधभक्ति था ना करका है नहीं,
सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 100% बात है, लेकिन अंत इसका बहुत माड़ होना। आज भी सुधर लियो, पासपोर्ट एक कंट्री का नाम नहीं कड़ी नहीं। उन पाकिस्तान वाले के ऊपर किसान आंदोलन में जाकर यह बयान देवा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जैसा वहाँ के लोग भाईचारा दिखावा है। वहाँ पा 1947 में 6 मिलियन सिख गए थे, आज 6600 रह रहे, ठीक है नहीं बात। धर्म परिवर्तन ग्रंथियों की बेटी तक ना उठाना, 36-36 लड़कियां के जबरन रेप और धर्म परिवर्तन हुआ हिंदुओं की हो चाहे उसमें सिखा की हो, पाकिस्तान की हालत है, सच्चाई है या। लेकिन फिर भी मारे वाले इस चीज़ ने उसके खिलाफ नहीं बोलते, पाकिस्तान के विदेशों में भी उस चीज़ के खिलाफ तो नहीं बोलिया जाता जो पाकिस्तान में बेअदबी हो। विदेशों में तो कोई भी नहीं बोलता है, हिंदू ही बोलना भाई यार जो खालिस्तान मांगा उठा देख ले थारी हालत की हो रही, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में क्या हालत होने लग रही, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। मैं दूंगा साथ, मैं दूंगा, जो छोटा सिख बैठे उनकी आवाज़ में उठाऊंगा, यूक्रेन मोड़ी का प्रोमिस है, लेकिन बोलो तो। लेकिन वो जाते जाते ओठा थारी हालत जो हो रही है नी, जो विदेशों में तो बैठ कर नहीं कहीं खालिस्तान बनाने, ओठा जो थारी हालत हो रही वह देख लियो ला वीडियो के एंडिंग में। अरे मारे वाले तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, समझ जो भी हिंदुस्तान है एक रहेगा, जो तोड़न आवेगा पछवाड़ा तड़वावेगा, सिंपल सी बात है। Sikhs, Hindus and Hazaras, they're all being hunted. There are reports of violent attacks and mass killings. Places of worship are being vandalized. Last evening, the Sikhs were targeted. Their main shrine in Kabul was attacked. Take a look at these pictures. These are Talibs storming into Gurudwara Karte Parwan. They're heavily armed. They easily overpower the 2 security guards stationed here. They smash at least 10 CCTV cameras, perhaps to make sure that their faces are not captured, but they miss one. And that's the camera which captured this attack. It captured the video you're watching. You see Talib searching for something.